भैया पूछना तो पड़ेगा ये सामान किसने रखवाया। भाई जी तू कसा देते हैं भाई, संडे के दिन मेरी यही समझ में नहीं आता, हमेशा तो वहाँ करते हैं डिग्री कॉलेज वाली रोड पे खड़े। बहुत ज्यादा ध्वनि तो नहीं हो रहा, बहुत ही ज्यादा कमेंटेटर मतलब इतना ओवर कर दे रहे तो आगे यार, मेरा नाम मतलब यार जबरदस्ती है। तो अभी गांव से कोटद्वार वापस जाते हुए एक चीज दिखी है रास्ते में हमें, जिसने गाड़ी रोकने में मम्मी को मजबूर किया है, मेरे को नहीं मम्मी को, मम्मी ने बोला भाई रुको प्लीज रुको रुको रुको, और वो पेट की कबलाहट नहीं है वो कुछ और है, और दूसरी कबलाहट है पेट की। ये देखो भाई ये पेड़ देख सकते हैं आप, जो पहाड़ में रहा है उसे पता है किस चीज का पेड़ हुआ। पहला काफल इस साल का, इस साल का देखो पहला काफल। क्या कर रहे हो ये, क्या कर रहे हो? पितरों को भी तो देना है पहले। अच्छा पितरों के नाम कर दिए, पर अजीब तरीके से किया आपने, बड़े पितरों को नाम माता रानी को। एक तो बड़ी दिक्कत होती है ऊपर ऊपर होता है ना बिल्कुल, जो बिल्कुल एक्सपीरियंस बंदा हो ना वही चढ़ सकता है और वही तोड़ सकता है। लाओ खिलाओ है? मैं कब खाऊंगी अब सबको खिला रहे हो तो मुझे भी खिला दो। आराम से। अरे पापा क्यों कर रहे हो यार, लग जाएगी फल तुम्हें और देखना बिल्कुल फिसलने वाली चीज हो रही। अरे ताजे कितने अच्छे लग रहे ना, मीठे मीठे हो रहे। अब बस आ जाओ पापा, हो गया। मुझे तो लग रहा पापा को ज्यादा मन कर रहा था तोड़ने का, जिस तरीके से वहां चढ़ गए ऊपर पूरा। अभी सिद्धवली मंदिर पहुंचने वाले थे हम, और यहाँ देख सकते हो आप गाड़ियाँ गाड़ियाँ लगी हुई है, पूरा चक्का जाम हो रखा है। तो यहाँ पे सर मिले दिल्ली से आ रहे थे, और यहाँ पे एक और सर है। कहाँ रहते सर दिल्ली में? हम लक्ष्मी नगर रहते हैं दिल्ली में। अच्छा। सुरेश के फ्रेंड मतलब बड़े फैन है, हमेशा उसका ब्लॉग देखते हैं, आज मौका लगा एकदम जैम लगा हुआ तो हम देखते गए तो गाड़ी का पीछे से सुरेश। हाँ ये देख लिया सर ने, पहचान गए हम कि भाई सुरेश की गाड़ी है। चलो और अभी जहाँ सर गए थे उसके पास ही मेरा गांव भी है। अच्छा द्वारिकाल ना? हाँ द्वारिकाल मेरा गांव। तो हाँ वही तो लिखा हुआ है, प्रॉपर गांव है वो। हाँ प्रॉपर, मतलब मार्केट है बाजार है, गांव तो थोड़ा नीचे जाके है। अच्छा अच्छा। और आप कौन, किस नाम ले रहे हैं, तो कौन देखता है? आपके बेटे शुभम मटवाल। अच्छा आपके बेटे हैं, चलो ठीक है सर, ठीक है सर, ओके ठीक है सर, ओके। 15 मिनट तो हो गए हमें यहाँ पे खड़े हुए, देखते हैं अभी कितना देर और लगती है। और थोड़ा सा ब्लॉग एडिट भी करना था अभी और अपलोड भी करना था, पता नहीं अब कब होगा। थोड़ा सा अभी जाम खुला है, और तब तक देखो किसी ने देखो गाड़ी अड़ा दी यहाँ पे, ये गलत ले आया ना अपनी गाड़ी। अभी जो इस साइड वाला जाम था जो जा रहा था वो भी रुक गया। अब जल्दी रहते ना कुछ कुछ लोगों को। कितना लंबा जाम है भैया अंदर आगे मंदिर तक? अच्छा बसें खड़ी हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है साइड में। ओहो ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हैं, इसलिए कह रहे पूरा मंदिर तक जाम है। ट्रैक्टर क्यों घुसा देते हैं भाई संडे के दिन, मेरी यही समझ में नहीं आता, हमेशा तो वहाँ खड़े हो डिग्री कॉलेज वाली रोड पे खड़ा। इसका जवाब तो हमको भी नहीं पता, ये तो प्रशासन का होना चाहिए ना भाई, आज के दिन तो मतलब ही नहीं है साले इतने जाम है। वही तो टूरिस्ट भी इतना आते हैं अब यहाँ, संडे को तो मतलब ही नहीं है किसी को अंदर घुसने दे, छोटी गाड़ी बैन होनी चाहिए, ट्रैक्टर तो फिर और भी जगह फिरता है। आज बिल्कुल ऋषिकेश वाला फील आ रहा है, जैसे कोई ऋषिकेश वाला मेरे से अगर कोई जैसे व्यूअर बात करता है ना तो मैं सबसे पहले उनसे यही पूछता हूँ कि आप लोग कैसे मैनेज करते हो, कि अगर आपको बाजार जाना है तो आप कैसे जाते हो। तो आज वाला फील आ रहा है मेरे को कि ऐसे मैं खड़ा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ ट्रैफिक के कम होने का, तब जाऊँगा मैं अपने घर के अंदर। तो ऋषिकेश में भी ऐसे ही हाल रहता होगा, जो ऋषिकेश में लोग रहते होंगे अगर वो कहीं दिल्ली से आ रहे या गांव से आ रहे तो ट्रैफिक में ऐसे ही फंसे रहते होंगे। अभी फिलहाल उन्होंने एक साइड का ही ट्रैफिक खोला है, बस चल गई चल गई चल गई। चलो भाई इसमें खड़ा हो रखा है, देखो ना ट्रैक्टर वाले, ये देखो ये ट्रैक्टर, ये इतनी सारी ये ट्रैक्टर ट्रॉली है ना यहाँ पे, इसके वजह से यहाँ पे जाम लग रखा है। तो ओ, देखो वहाँ तक ने अंदर घुसा, हाँ ये तो काफी अंदर डाल रखे, लेकिन बहुत जगह ऐसा होगा कि रास्ते में आ रहे होंगे। और वहाँ तो देखो आप क्या मस्त जाम हो रखा है, बढ़िया। वो कह रहा कि वहाँ ये देखो ये छोटा आदमी ने रोड पे खड़ी कर रखी, तो इसकी वजह से सारे के सारे कार वाले साइड में खड़े हो रखे हैं निकलने के लिए। चलो भाई घर पहुंच चुके हैं, 40 मिनट हम उस जाम में रहे हैं और अब जाके निकले हैं, बाय बाय। तो ये सब तो घर जा रहे हैं और मैं आ चुका हूँ यहाँ स्टूडियो। भाई ऐसी लू चल रही है ना, गरम गरम हवा, उफ बाय। अभी फटाफट पहले हाथ में धोते हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है,
बाल भी ऐसे हो रहे हैं ना बिल्कुल, क्या बताऊँ मैं। हाँ भाई सुबह ऐसे उठ के आ गए, कुछ हाथ मुँह भी नहीं धोया ढंग से। हाँ भाई क्या चल रहा है अंदर, क्या बना रखा है कमरे को, क्या कर रखे घर की हालत? जैसे गए थे वैसे ही। ऐसे ही है, थोड़ा कुछ हुआ हो। कोई आया तो नहीं मेरे पीठ पीछे? ना ना खिला दे यार। बोल। हाँ नहीं आया, सच में नहीं है, ऐसे निकल गए हम। पोहा खाने का मन कर रहा है यार, पोहा खा लेते हैं थोड़ा। तो जब तक नाश्ता गर्म होता है मैं तब तक काम देख के आता हूँ जरा, क्या काम चल रहा है आज। वैसे तो मुझे पता है शटरिंग का काम ही चल रहा होगा आज। तो ये देख सकते हैं आप बढ़िया करके, दीवारें तो सारी खड़ी हो चुकी हैं, सारी की सारी दीवार खड़ी हो गई, अब बस शटरिंग वाला काम चल रहा है। अभी यहाँ पे अंकल आंटी जी आ रखे हैं मिलने के लिए, और दिल्ली से आ रखे ना आप लोग? नोएडा। नोएडा से, अच्छा तो बड़ा अच्छा लगा आप लोग मिलने आए यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया लगा। कब से देख रहे हैं वीडियो? मेरे को तो कम से कम 3 साल हो गए। अच्छा हेलो हेलो, चलो बढ़िया आंटी जी। पहले से बना रहे हो? और आंटी जी का यहाँ मायका है, कहाँ पर है? नंदपुर में। अच्छा तो आते रहते होंगे आप? आते रहते हैं। अच्छा और आपका गांव किधर है? पुराना गांव हमारा इधर है, ढोंटियाल। ढोंटियाल, अरे मेरा जो भाई है उसका ससुराल है वहाँ। हमारा ऊपर है। आप किधर से? ये तो इस साइड के हम, सतपुली की तरफ। अच्छा सतपुली में, मतलब वहाँ से कहाँ? सतपुली से मैला सतपुली। अच्छा अच्छा अच्छा, मैला सतपुली, चलो ठीक। हम बहुत कम पैदाइश में जी दिल्ली की है। ये जी तो गढ़वाली बोलने भी नहीं आती। अच्छा मुझे आगे मैं गढ़वाल में रही, मैं बड़ी। अच्छा लगता है आप लोग से मिलके। हाँ जी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखते रहते तुम्हारी रेसिपी वगैरह। ठीक है आंटी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ा बड़ा के बारे में बड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ, एकदम ही। हाँ जी सही बात है, देख के बड़ा अच्छा लगता। हाँ जी हाँ, एकदम ही चली गई, एकदम ही चली गई। हाँ वही अच्छे खासे थे वो तो यार, कैसी बोलती थी। हाँ धोनी इज बैक एंड देयर इज नो एड्स, जियो सिनेमा कोई एड नहीं दिखाएगा। ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया, मजा आ रहा है बहुत। पहली बार आउट हुआ है आईपीएल 2024 में भाई, बॉल बहुत अच्छी थी यार। तेरे को पता ये वाला मैच हो सकता था हम धर्मशाला में देखते। अच्छा हुआ हम नहीं गए, पैसे बच गए भाई, 0 पे भी आउट हो गया धोनी, और साथ में मुझे लग नहीं रहा जितना चेन्नई जीतेगी इस बार। तो मतलब जिस तरीके से चेन्नई खेल रही है मुश्किल ही है चेन्नई का, पर ज़्यादा तो मैं धोनी को देखने ढंग से धोनी को देख भी नहीं पाता, अच्छा हुआ टिकट नहीं मिली। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, सही बात है, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखते हैं अब कब मिलना होगा धोनी से, कौन से मैच में या फिर कभी आमने सामने। हेलो बाय, क्या क्या हालत खराब हो रही है, क्या करा आपने ऐसा कल गाँव में, मुस्कुरा के बिना जवाब दिए? जब मैंने खाना बनाया वो तो तुमने दिखाया नहीं, कल बिजी था ना काम में इसलिए। अभी 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 क्या करा आपने, सब्जी किसने बनाई? आपने बनाई, जब इतनी मेहनत से आपने सब्जी बनाई तो खाया क्यों नहीं फिर? अरे मन नहीं कर रहा था, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा, अजीब सा हो रहा। चलो जाओ जाओ आराम से जाओ। आज सबका डिनर यहीं पे था स्टूडियो में ही, मम्मी पापा यहीं आ गए थे, और साथ में आज चेन्नई मैच जीत चुकी है। लेकिन आजकल ना बहुत ज्यादा पता है क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा धोनी धोनी हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कमेंटेटर मतलब इतना ओवर कर दे रहे, मतलब मैं इतना पसंद करता हूँ धोनी को, लेकिन मेरे को ही वो ओवर लग जा रहा कि भाई हो गया भाई, ठीक है भाई और भी प्लेयर हैं, लेकिन अब क्या बोले। अगर आप लोगों को ऐसे लग रहा है तो बताना जरूर कि ये कमेंटेटर कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहे हैं, धोनी 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 बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी आज हम एक मूवी देख रहे हैं लापता गंज, अभी मम्मी लोग आ रहे थे इसलिए मैंने लगाई थी, वरना बहुत टाइम से तो हमने प्रोजेक्टर में पिक्चर देखी नहीं, तो इसलिए आज देख रहे थे। तो अभी आधे तो देख लिए हमने, अब मम्मी पापा चले गए, उनको नींद आ रही थी, मैं अल्लाह आप लोग जाओ अब बाकी मैं कंप्लीट करता हूँ। भाई घर के सामने रात को 12 बजे कोई ट्रैक्टर आ रखा है, क्या हो रही है
भाई साहब। हाँ भैया भैया भाई कौन रखोगे, चला गया रात को सामान, सुन भी नहीं रहे हो। अच्छा चलेगा यहाँ सामान रख के, पूछना तो पड़ेगा ये सामान किसने रखवाया। भाई जी सामान सामान पीछे पड़ेगा। हाँ 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 अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। पता नहीं रात को कहाँ से ला रहे सामान भाई, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कोई हमारा सामान निकाल के जा रहा है यहाँ से, जो हमारा सामान है रखा हुआ है यहाँ वो कोई निकाल के ले जा रहा है, क्योंकि टक 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 कार नहीं, यही तो ना ट्रैक्टर ही तो था वो, टक 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 लगा हुआ कोई, मैं तो वो भी नहीं पहना मैंने नीचे से लोअर में, तो ये तौलिया तौलिया लपेटा भागा बाहर ले जाता हूँ। तभी तो मैंने कैमरा भी ऑन कर लिया था, मैंने बोला पता नहीं कौन होगा क्या करेगा मेरे साथ, मेरा रिकॉर्ड तो हो जाए। ये देखो टाइम देखो आप, अभी एक बजने वाला है, बारह भी नहीं बज रहा भाई, एक बजने वाला है, सिताई की बजा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सुयेश भाई ने कहा था कि अब जो दूसरा चैनल है हमारा न्यूज चैनल उसके लिए आप वीडियो एडिट तू ही करेगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो बस और उसके बाद जब सुयेश भाई गांव जा रखा था तो मैंने वो वीडियो एडिट की और उसके बाद अपलोड भी कर दी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो तो प्लीज बताना कि कैसी लगी वीडियो, और पहली बार मैंने वीडियो एडिट करी तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे हाथ सेट हो जाएगा, तो फिलहाल अभी मैं वही काम कर रहा हूँ, लेकिन भाई ने कहा कि थोड़ा एंडिंग करते वीडियो की। तो उस न्यूज चैनल का नाम हम अगली वीडियो में बताएंगे, अगर आप लोगों में से वो चैनल कोई देखता है तो बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो स्क्रीन पे उस वीडियो का थंबनेल भी आ रहा है तो आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी इस ब्लॉगिंग चैनल में प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भाई के जल्दी से 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा कराएं, और बहुत तरस चुके हैं हम भी 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा होने के लिए, 1500-1600 सब्सक्राइबर और बाकी हैं उनको भी पूरा कर दें, और बाकी अपना आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ ऐसे बनाए रखें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड जय देवभूमि।